जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो लगता है कि किस्मत मेहरबान हो गई है, मगर वो असल में डंडा लेने गई होती है। जिन्हें नहीं मालूम वो अपनी मालूमात में इजाफा कर ले कि स्क्रीन शॉट को उर्दू में अच्छे कर तोते स्याह कहते हैं। मैंने मांगने वाली को बोला, तेरा बंदा की करता कहती 10 रुपए दे ली थी दे, बंदे से नजर न रख, हद नहीं हो गई। जैसे ये मुफ्त में बैठ कर ज्वेलरी देख रही है ना, बिल्कुल ऐसे ही बैठ कर मैं अपने घर में दाल साफ करती हूँ। एक तो मेरी समझ में ये बात आज तक नहीं आई कि हमेशा शॉपिंग के पैसे खत्म होने के बाद ही ये खूबसूरत चीजें क्यों नजर आती हैं? आखिर क्यों? यस डैडी। बंदे को खुश मिजाज होना चाहिए, मुंह पे हर वक्त की लोड शेडिंग अच्छी नहीं होती। तो फिर कदर किया करे मेरी कि मेरी वजह से आप बैठे बैठे मुस्कुराने लग जाते हैं। बीवी शोहर से, अच्छा बताइए ना आज खाना कैसा बना था? शोहर, तुम भी ना बस लड़ने का कोई ना कोई बहाना तलाश करती रहती हो। आजकल हालात इतने खराब हैं कि कुछ दोस्तों के घर मांगने वाला फकीर भी दरवाजा खटखटाए तो अंदर से आवाज आती है, पाक फोर्ट जिंदाबाद। उसने कहा, आंखें बंद करके देखो क्या नजर आता है। मैंने कहा तुम, हालांकि नजर तो कुछ भी नहीं आया था, लेकिन फिल्मों में तो ऐसा ही बोलते हैं। हाय मेरी निकी निकी चलाकियां, आप खूबसूरती की बात करते हैं, लोग तो मेरी पोस्टों पर भी मरते हैं और देखते ही मर जाते हैं, इसलिए बेचारे कमेंट नहीं कर पाते। खबरदार, जो किसी ने लड़की की उम्र पर उंगली उठाई तो वो 18 की थी, 18 की है और मरते दम तक 18 की ही रहेगी। लो जी, साडा कुत्ता कुत्ता तो थोड़ा कुत्ता टॉमी, अगर हम ऐसा बैकग्राउंड दे आए पिक्स में तो हम पेंडू ये करें तो फैशन। यस डैडी। अगर कोई कहे कि मोहब्बत से मुश्किल कुछ नहीं तो मैथ की किताब उसके मुंह पे मारे और कहे, ऐ देख अन्नी दया। जब मैं छोटी थी तो साइकिल से गिर गई थी और मेरी टांग छिल गई थी, तब मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करती थी तो आपको नहीं बता पाई, सोचा अब बता दूं। अपनी मोहब्बत का मुस्तकबिल जानने के लिए टाइप करें अपना नाम, महबूबा का नाम और सेंड कर दें अपने अब्बू के नंबर पर। ऐ अल्लाह जी, मेरे होने वाले शोहर के लिए रिस्क के तमाम दरवाजे खोल दे क्योंकि मेरे बहुत खर्चे हैं। बीवी ने नाश्ता करते हुए कहा, तुम हफ्ते को मछली के शिकार पर जाते हो ना? शोहर फक गया, हाँ बीवी वो मछली कल मुझे मिलने घर आई थी। इश्क का समंदर भी अजीब समंदर है, जो डूब गया वो आशिक, जो बच गया वो दीवाना और जो तैरता रहा वो शोहर। बराए मेहरबानी अपनी तस्वीरों के ऊपर फिल्टर उतना ही लगाओ कि अगर किसी से मुलाकात करनी हो तो शर्मिंदगी ना हो। एक वक्त था 2-2.5 लाख में शादी हो जाती थी, अब 1.5 लाख में सिर्फ दूल्हा तैयार होती है और सुबह दूल्हा परेशान घूम रहा होता है, रात ही होर सी भूल हो रहे। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी 45 डिग्री वाली गर्मी में हांडी रोटियां पका कर तो देखो। वो पूछना ये है कि जिन लोगों को सच कड़वा लगते हैं उन्हें मीठा सिरप दे सकती है? जान ही लेनी थी तो मांग लेती, ये बिना मेकअप वीडियो कॉल करने की क्या जरूरत है? क्यामत के दिन उन लोगों का अलग से हिसाब होगा जो स्क्रीन शॉट एक दूसरे को भेज कर आपस में लड़ाइयाँ करवाती है। पूरी दुनिया में कोई भी डॉक्टर उस खांसी का इलाज नहीं कर सकता जो लड़की देखते ही लड़कों को लग जाती है। औरत मेकअप करके ऐसा मर्द तलाश करती है जो उसकी रूह से मोहब्बत करे, और जब मेकअप उतरता है तो मर्द की रूह प्रवास कर जाती है। कुछ रिश्तेदार आपके स्टेटस बकायदगी से इसलिए देखते रहते हैं कि उनको पता चलता रहे कि आपने उनके खिलाफ तो कुछ नहीं लिखा। देखो भाई, चलान के पैसे जायज जायज लगाओ, मैं हमेशा यहाँ से ही चलान करवाती हूँ। दिल करता है कि जो 2-4 लोग मेरे पोस्ट पर आते हैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दूं। वो पूछना ये था, अगर बेटियां घर के आंगन की चिड़िया हैं तो फिर हम क्या हैं? कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, फिर ब्लॉक हुआ था। और फिर लड़कियां कहती हैं हम पापा की परियां हैं, मैंने कजन को छत से फेंका वो उड़ी ही नहीं। बीवी शादी के बाद, आप मुझे प्यार नहीं करते। शोहर, अरे पगली, इम्तिहान खत्म होने के बाद कौन पढ़ता है? जब भी मुझसे ग्लास टूट जाए तो अम्मी का रिएक्शन, तोड़ दो सारा घर तोड़ दो, मेरा सर भी तोड़ दो। और अगर अम्मी से टूट जाए तो किस कम वक्त ने यहाँ ग्लास रखा था। आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, कान में जुकाम है और पेट में चक्कर आ रहे हैं, क्या करूँ? क्या आप भी तैयार होते वक्त ऐसी चीजें फेंकते हैं जैसे आपने वापस कर आना ही ना?
दुनिया में अगर छिपकली और काकरोच ना होते तो मेरी बहादुरी के चर्चे होते चर्चे। मैं अम्मा कैंची से उंगली कट गई। अम्मा जुबान क्यों नहीं कट गई? अब ये अफवाह कौन फैला रहा है कि लड़कियां हलवे पे केचप डाल के खाती हैं? पहले लोग वकील करके बरी हो जाते थे और आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ सिर्फ ईमेल भेजने से काम नहीं चलता, कॉल करके बताना पड़ता है। मेल भेजिए, चेक कर लेना। कुछ माए रो रो कर बेटा मांगती है और बेटे सोशल मीडिया पर आकर बेटियां बन जाती है। इतने रिक्शा नहीं लगता टाइम पे तो लोग सच्चा प्यार लगते फिर देने। बाबा जी कहते हैं शोहर अगर अंग्रेजी का एक लफ्ज़ सीख ले तो वो सारी जिंदगी बीवी के साथ खुश रह सकते हैं, और वो लफ्ज़ है यस। और मेरी पोस्ट पर आते जाते रहा करें। हमारे यहाँ बंसाने का नहीं बल्कि हंसाने का काम तसल्ली बख्श किया जाता है।